हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर में अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है आखिर में उसका क्या मोटिव होता है, किस पर्पज़ से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड जो है उसको हम कंप्यूटर की फील्ड में यूज़ करते हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेड विद कंबाइनिंग टू वर्ड्स, यानी कि इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक, जो मिलकर बनते हैं दो शब्दों से, इंफॉर्मेशन और एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि यह हमारे दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से मिलती है उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस वे ऑफ डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन जनरली जो होता है इसमें हम डेटा को प्रोसेस करके, यानी कि डेटा पर हम कार्य करके उसको एक इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना बताते हैं। डेटा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सपोज कीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, आपकी पर्टिकुलर जो डेटा है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फादर्स नेम, तो ये आपके बारे में डेटा हो गया। लेकिन आपकी पर्टिकुलर इस डेटा से हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन, जो कि कलेक्ट करके हम उसका इंफॉर्मेशन बनाते हैं। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल फिगर्स एंड फैक्ट्स। अब डेटा की बात करें, डेटा क्या होता है आखिर हमारा, तो डेटा जो है हमारा कलेक्शन होता है मीनिंगफुल फिगर्स, यानी कि एक संग्रहण होता है हमारा, कलेक्शन होता है हमारा किसका, जो कि कुछ मीनिंगफुल, मतलब जिनका कुछ मतलब होता है, ऐसे कुछ आंकड़ों का या ऐसे कुछ तथ्यों का। इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि हमारे अरेंज और नॉन अरेंज्ड ऑर्डर में होते हैं, यानी ठीक। अब डेटा प्रोसेस, अब आप देखें यहाँ पर एक फिगर के थ्रू समझा रखा है कि डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो वह इंफॉर्मेशन बनता है, और इंफॉर्मेशन को आफ्टर प्रोसेसिंग वह क्या बनता है, हमारा नॉलेज। तो हम आपको बता चुके हैं कि डेटा क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ, मतलब ये हमारा एक संग्रहण होता है किस चीज़ का, आंकड़ों का और तथ्यों का, जिनका कुछ मतलब होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन तथ्यों और आंकड़ों का एक संग्रहण जो कहलाता है वह हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, और उन सूचना से मिलकर क्या बनता है, हमारा नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज रिटेन देन इट बिकम्स नॉलेज, यानी कि जब इंफॉर्मेशन हमारी पूरी तरीके से रिटेन यानी कि कन्फर्म हो जाती है, उस पर एक तरीके से सभी तथ्यों को एक रूप से, समुचित रूप से जो है स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह हमारी नॉलेज यानी कि ज्ञान बन जाती है। व्हेन वी यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्शन, जब हम तकनीक को यूज़ करते हैं, जब हम तकनीक को यूज़ करते हैं कलेक्शन के लिए ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारा डेटा है उसके हम संग्रहण के लिए तकनीक को यूज़ करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी कि उस पर्टिकुलर डाटा, यानी कि जो हमारा जो भी तथ्य हैं हमारे पास और आंकड़े हैं, उन पर जो भी कार्य हो रहा होता है, उन सब कार्यों को हम एक जगह रखते हैं। देन स्टोरेज, यानी कि संग्रहण, एक जगह व्यवस्थित रखना, एंड शेयरिंग ऑफ डेटा, और हम डेटा को जो शेयर करते हैं, जैसे सपोज करिए आज हम और आप व्हाट्सएप से या फेसबुक से डेटा को शेयर करते हैं, तो ये सब जो है किसकी हेल्प से पॉसिबल है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यह सब चीज़ें जो हम आज कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वह सब किसके अंदर आता है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज प्रोनाउंस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो यह हमारा प्रोनाउंस, यानी कि इसको हम एक तरीके से बोलते हैं आईटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी हम आईटी बोलते हैं। इट रेफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग नॉलेज, यह हमें रेफर यानी कि यह हमें निर्देशित करता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग, सच एज नेटवर्किंग, जैसे कि आप देख रहे होंगे हम और आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू कनेक्ट हैं आज, तो यह नेटवर्किंग की हेल्प से कनेक्ट हैं हम और आप। हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में मॉनिटर है हमारा, माउस है, कीबोर्ड है,
ये सब हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर, यानी कि कहने को तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, बट इनका जो संग्रहण होता है वह हमारा हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हम कंप्यूटर में अपनी कंप्यूटर को ऑन करते, कंप्यूटर को जब हम लाते हैं तो उससे सबसे पहले हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चल पाता है, तो वह हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और उसके बाद हम उसमें गेम डाउनलोड करते हैं, MS वर्ड डाउनलोड करते हैं, हम उस पर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वह सब हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से हम आसानी से इस्तेमाल करते हैं, और द पीपल दैट वर्क विद दिस टेक्नोलॉजी। और आप देखते होंगे मौसम का पूर्वानुमान, लगाना, प्रदूषण जांचना, यह सब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको मापते हैं और इसका जो है इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग हम पर्टिकुलर पर्सन तक पहुँचाते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा क्या होता है। इंफॉर्मेशन इज अ नेसेसरी एंड वाइटल इनपुट इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है ये एक बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी इनपुट, मतलब हमारे लिए इनपुट है, यानी कि हमें देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी कार्यालय में हम इसको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, यानी कि निर्णय लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट अवेलेबल इन रेडी फॉर्म, अगर ये हमारी इंफॉर्मेशन अगर रेडी मतलब जब हमें चाहिए होती है तो रेडी नहीं है उस समय, देन रादर इट हैज़ टू बी जनरेटेड फ्रॉम डेटा, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और वह हमारे पास रेडी नहीं है तो हम वहाँ पर इसको डाटा की हेल्प से जनरेट करते हैं। विट एक्ट एज आ रॉ मटेरियल, जो कि हमें एक तरीके से रॉ मटेरियल यानी कलेक्शन के फॉर्म में हमें दिखाई देती है, दैट नीड्स सम प्रोसेसिंग, और उसको कुछ प्रोसेसिंग की आवश्यकता वहाँ पर रहती है। द वर्ड सिस्टम इज़ यूज क्वाइट ऑफन इन आवर डेली लाइफ, अगर हम बात करें सिस्टम नाम के शब्द की तो इसको हम कह सकते हैं व्यवस्था, ठीक है, जो ये जो है ये हमारी क्वाइट ऑफन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि ये हम अपने जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। वी टॉक अबाउट एन एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सोलर सिस्टम, यानी कि हम अपने विक्षोभ मंडल है उसके बारे में बात करते हैं। एंड कंप्यूटर सिस्टम, और हम आज कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इन द डिसिप्लिन ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसकी सहायता से हमारा यहाँ पर हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं और उसके बाद डिज़ाइन करते हैं, ये हमारी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, जिसकी सहायता से हम एक ये चक्र होता है हमारा, जिसकी सहायता से हम जो है अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम डेवलप करते हैं। द टर्म सिस्टम स्टैंड फॉर द काइंड ऑफ अ सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो एक शब्द यूज़ किया गया सिस्टम व्यवस्था, यहाँ पर यह बताता है कि हम किस तरीके का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। वी डील विद इट, यानी कि हम जिसके साथ वहाँ पर डील यानी कि कार्य कर रहे हैं। अ सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम सिस्टम की बात करें तो यह एक सेट ऑफ एलिमेंट्स की तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, और ग्रुप जॉइंट टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, और यह एक साथ इकट्ठा होता है, ग्रुप मतलब इकट्ठा होता है, जॉइंट टुगेदर आपस में जुड़ते हैं टू अचीव यानी ग्रहण करने के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट को, एट अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, जो कि एक निश्चित समय में हमें एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करना होता है बाय अ डिजायर्ड वे, यानी कि एक सुनिश्चित तरीके से। तो स्टूडेंट आज जो हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साधारणतः दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचना और तकनीक से मिलकर। इंफॉर्मेशन जो होता है ये एक प्रोसेसिंग वे ऑफ डेटा होता है, जो कि इंफॉर्मेशन की जनरली हम बात करें तो यह डेटा के कलेक्शन से मिलकर बनता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि डेटा को प्रोसेस करा तो हमारा इंफॉर्मेशन बन गया, इंफॉर्मेशन को जब हम फाइनल कर देते हैं या प्रोसेस कर देते हैं तो वह हमारा नॉलेज यानी कि ज्ञान बन जाता है। अब हम बात करें
कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम डेटा को कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि डेटा के संग्रहण के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा के संग्रहण यानी कि एक जगह इकट्ठा करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, या डेटा को हम प्रोसेस करने के लिए, डेटा को कार्यशैली उसकी जानने के लिए, या डेटा को संग्रहण करने के लिए, या फिर डेटा को शेयर यानी कि हम एक्सचेंज करने के लिए। और यह सब प्रोसेस हमारी मिलकर क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको हम आईटी भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग नॉलेज, यानी कि यह हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमारा ज्ञान होता है यह हमें उसको निर्देशित करता है, जैसे कि नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट से रिलेटेड, और कंप्यूटर की सहायता से हम जो भी कुछ काम करते हैं वह सब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स आज पढ़ा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है हमारा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जनरली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अगर हमारा डेटा नहीं है तो हम इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसका डेटा इकट्ठा करते हैं, और उस डेटा को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन। और जब वो इंफॉर्मेशन हमारी बन जाती है तो वह हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा शब्द है जो हम अपने जनरल दैनिक जीवन की वोकैबुलरी में यूज़ करते हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था, ये सब हमारे जो है सिस्टम शब्द के अंदर आते हैं। अब हम बात करें सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन में, तो यहाँ पर हम अपने इस व्यवस्था को एनालाइज करते हैं और फिर उसको व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम शब्द है वह हमें बताता है कि हम किस तरीके के सिस्टम के साथ कार्य कर रहे हैं। आ सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सिस्टम जो है यहाँ पर उसको परिभाषित किया गया है कि यह सेट यानी कि एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, जो कि एक साथ जुड़कर एक निश्चित गोल यानी कि टारगेट की ओर एक निश्चित समय में एक सुनिश्चित तरीके से उसे प्राप्त करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।